प्रेजेंटेशन इज ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड रेमेडीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंट होती क्या है। एनवायरमेंट क्या है, सम होता है जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट है जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, जो हमारी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है उसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज है, मतलब एनवायरमेंट ग्लोबली क्या क्या हम इश्यूज देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटीज से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज। हम देख रहे हैं कुछ एक सालों से जो क्लाइमेट चेंज है वो एक मेजर इशू बन गया है। हमारा जो प्लेनेट है वो और हॉट होता जा रहा है और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। इसके मेन कॉजेज है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन। तो क्या है कि जो भी गैसेज, जो भी हार्मफुल गैसेज जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस टाइम पे प्रॉपर बारिश होनी चाहिए उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, जिस टाइम पे गर्मी हो रही है तो गर्मी बहुत ही ज्यादा गर्मी होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज के मेन कॉजेज है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, डिफोरेस्टेशन कर रहा है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहा है। कुछ इसके जो कॉजेज है वो नेचुरल कॉजेज भी है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो रही है या फिर हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन हो रही है। ये सभी सुन लो। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी ग्रीड क्या है कि हम सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर लें। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल है, हम जानते हैं कि हम उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट तो कर ले रहे हैं बट उन चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। तो हम क्या करें कि हमारी जो भी एक्टिविटीज है, जैसे हम माइनिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं। इसके मेन कॉजेज है डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर फिशिंग हो रही है, हाई एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। देन व्हीकल्स में हम जो भी पेट्रोल वगैरह की जो इन सारी चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। देन पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन भी एक मेजर इशू है। पोल्यूशन जो है वो मेनली चार टाइप का है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में जैसे इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से जो भी हार्मफुल चीजें हैं हमारी एयर में ऐड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या है वेरियस डिजीजेस हो रही है, लंग से रिलेटेड डिजीजेस हो रही हैं। देन वाटर पोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकल रहा है हम उसको डायरेक्टली पानी में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ का जो मैरीन लाइफ है वो टोटली डिस्टर्ब हो रही है, उनकी जो मैरीन लाइफ है उसके वो खत्म होती जा रही है। नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हमें वेरियस जैसे गाड़ी, जैसे हम डीजे वगैरह देखते हैं, डीजे मेनली हो गया है, उसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लैंड पॉल्यूशन, हम लैंड पॉल्यूशन से क्या हो रही है, जो सोइल की जो मेन फर्टाइल है, मेन रेमेडीज, इसकी रेमेडीज ये है कि हम जो है रिड्यूस करें ऑयल डिपेंडेंस को, ठीक है। हम पब्लिक व्हीकल से, सॉरी प्राइवेट व्हीकल जो है उनसे हम क्या करें, पब्लिक व्हीकल्स का यूज करें। देन हम इथेनॉल फ्यूल्स को यूज करें। इथेनॉल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना उनके बायोमास से जो फ्यूल बनता है, तो हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। देन प्लांटेशन करें, हम जानते हैं कि हम जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो गया है अर्थ पे। तो क्या करेंगे, हम जितने ज्यादा प्लांट लगाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो नॉर्मल हो सकता है। देन रिसाइकल करें वेस्ट को, ताकि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को है उनको हम बचा सकें। जैसे हम इंडस्ट्रीज से कुछ भी जैसे वेस्ट मटीरियल निकल रहा है हम उसको डायरेक्टली पानी में फेंक दे रहे हैं, उस वेस्ट मटीरियल को हम ऐसा सिस्टम बनाए कि वो वेस्ट मटीरियल हम वहाँ पे कलेक्ट करके फिर उस पानी को हम वहाँ पे छोड़े रिवर्स वगैरह में, ताकि वहाँ की मैरीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। देन हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें, मतलब हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड बच्चों को सब्जेक्ट ऐड करें, ताकि बच्चों को क्या है एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस हो कि कैसे हम अपनी एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। देन प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो, हम चाहते हैं कि घरों से जो भी
जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है किचन से निकलता है, ठीक है, जो किचन से वेस्ट निकल रहा है उसको हम वर्मी कंपोस्ट की तरह, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करें, ताकि क्या है कि जो हम हमारी जो फूड जो मिलेगा हमें वो प्योर फूड मिलेगा वर्मी कंपोस्ट को यूज करके। देन रिप्लेस करें जो डिस्पोजेबल आइटम है उनको हम रीयूजेबल आइटम से रिप्लेस करके हम अपने एनवायरमेंट को कुछ एक हद तक बचा सकते हैं। थैंक यू।